हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, इस वीडियो में एक वैकेंसी को कवर करने वाली हूं। यहां पर नेट, जेआरएफ, मल्ली पीजी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर होगा। कैंडिडेट को 1 मंथ का टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट को ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगी। मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड मैक्सिमम सीट अवेलेबल है। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में क्या सीट रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, कैंडिडेट कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हेलो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज एंड कैटेगरीज वाइज सीट दिया हुआ है। यहाँ नेम ऑफ डिसिप्लिन है, ये ST के लिए सीट है, ये SC के लिए, SC BC फॉर UR कैटेगरी एंड ये टोटल सीट है। ये सीट PWD के लिए है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें 1 सीट की वैकेंसी है फॉर UR। बॉटनी में टोटल 32 सीट की वैकेंसी है। केमिस्ट्री में 50 सीट अवेलेबल है। कॉमर्स में 46 सीट की वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में 56 सीट की वैकेंसी है। एजुकेशन में 54 सीट की वैकेंसी है। इंग्लिश में 50 सीट अवेलेबल। ज्योग्राफी में 6 सीट है। हिंदी में 4 सीट है। हिस्ट्री में 109 सीट अवेलेबल है। होम साइंस में 4 सीट है। IRPM में 1 सीट है। लॉजिक एंड फिलोसफी में 32 सीट है। मैथमेटिक्स में 33 सीट अवेलेबल है। उड़िया में 111 सीट अवेलेबल है। फिजिक्स में 31 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 69 सीट है। साइकोलॉजी में 9 सीट है। संस्कृत में 41 सीट है। सोशोलॉजी में 14 सीट है। तेलुगु में 1 सीट है। जूलॉजी में 32 सीट है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 786 सीट की वैकेंसी है एंड ये टोटल 22 डिपार्टमेंट है। यहाँ किस कैटेगरी में, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है इसकी डिटेल आप देख लेंगे। यहाँ से आप एज लिमिट को देख सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है। 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है फॉर SC ST SC BC एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को, जबकि 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है PWD कैंडिडेट को। यहाँ अप्लाई करने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट एंड फॉर SC ST SC BC PWD कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स होना चाहिए। प्रोसीड्योर ऑफ सिलेक्शन, यहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन 3 पेज में होगा। फर्स्ट है आपका करियर असेसमेंट जो की 25 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट जो की 150 मार्क्स का होगा। देन वाइवा जो कि 25 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का प्रोसीड्योर होगा। देन यहाँ पर कैरियर असेसमेंट के लिए मार्क्स दिया गया है, मैक्सिमम 25 मार्क्स है। PhD के लिए 25 मार्क्स है, ये डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। द कैंडिडेट पॉजिशिंग MPhil, PhD एंड नेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न शैल बी अवार्डेड मैक्सिमम 25 मार्क्स। सिमिलरली कैंडिडेट पॉजिशिंग MPhil या JRF एंड या नेट या MPhil विद नेट विल बी अवार्डेड मैक्सिमम 10 मार्क्स। देन यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन का डिटेल दिया हुआ है। रिटर्न एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन के 1.5 मार्क्स होंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। रिटर्न एग्जामिनेशन का क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, 30% है इन केस ऑफ ST SC SC BC एंड PWD कैंडिडेट। देन जोन ऑफ एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से सेंटर है आप यहाँ देख सकते हैं। बैलेश्वर, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, संबलपुर। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 500 रुपीज है फॉर अनरिजर्व एंड SC BC कैटेगरी, 200 रुपीज है फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड में पेड की जाएगी जिसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। प्रोसीड्योर ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट यहाँ पर ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन भी दिया हुआ है। अप्लाई करने से पहले इसकी डिटेल को देख लेंगे। यहाँ आपका हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, आप कैसे अप्लाई करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। यहाँ आपका इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट 20 मार्च 2024 1 PM से स्टार्ट होगी।
एंड इसकी क्लोजिंग डेट 19 अप्रैल 2024 11:45 PM है। तो इस तरह से कैंडिडेट को यहाँ पर 1 मंथ मिलेगा अप्लाई करने के लिए। गाइज ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ये एडवर्टाइजमेंट 9 मार्च 2024 को आई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 786। इसके लिए यहाँ पर एकेडमिक पेलेबल 10 रहेगी, एंट्री पे 44,900 रुपीज रहेगी। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इस तरह से गाइज यहाँ पर गोल्डन चांस है लेक्चरर बनने की। कैंडिडेट को 1 मंथ का टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम डिपार्टमेंट अवेलेबल है, मैक्सिमम सीट अवेलेबल है, परमानेंट पोस्ट है। तो अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। गाइज आपको बता दूं कि अगर आप उड़ीसा में जॉब की सोच रहे हैं तो काफी अच्छे चांसेस हैं। अभी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से 2 वैकेंसी है। इसके अलावा उड़ीसा स्टेट के बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई हुई है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार उड़ीसा की वैकेंसी को जरूर चेक कर लें। ओके गाइज, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, इससे आपका फीडबैक मुझे मिल जाता है। और इस तरह के अपडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।